हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि डेली एक स्टेट के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे जो कि आपके आने वाले देश के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने कल बात करी थी दोस्तों, परसों हमने देखा हिमाचल प्रदेश, फिर हमने देखा उत्तराखंड, और आज जो अपन स्टेट देखने वाले हैं वो है दोस्तों पंजाब। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखते हैं पंजाब के बारे में आप क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पता है और क्या क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको नहीं पता है। जैसा कि कई सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर इसके अंदर ये भी इंक्लूड कर लो, फोक डांसर्स इंक्लूड कर दो, तो जितना भी हो सकता है आपके कमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है और उन सभी चीज़ों को वन बाय वन एड ऑन किया जा रहा है। ठीक है, तो टेंशन मत लिया करो, जो भी आपको चाहिए वाईफाई स्टडी की तरफ से हमेशा अवेलेबल है। सबसे पहले हमने दोस्तों देखा था हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के बारे में डिस्कशन नहीं किया है क्योंकि अभी थोड़ा होल्ड करेंगे, काफी नई नई चीजें हैं जो कि एड ऑन होगी अभी, तो उसके बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर हमने उत्तराखंड की बात करी और आज हम लैंड ऑफ फाइव रिवर्स पंजाब, पंजाब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, बाउंड्री की बात करें राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, चार राज्य है और एक है पाकिस्तान जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है। कैपिटल है दोस्तों चंडीगढ़, 22 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। फिलहाल जो सीएम है यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह है, गवर्नर वीपी सिंह बादनोर जी, हाई कोर्ट कहाँ पर है, चंडीगढ़ के अंदर ही है, पंजाब एंड हरियाणा जिसको अपन हाई कोर्ट कहते हैं। चीफ जस्टिस है यहाँ पे रवि झा, यहाँ की विधानसभा की सीटें हैं 117, लोकसभा की 13 और राज्यसभा की यहाँ पे 7 सीटें हैं। कितनी? विधानसभा की यहां पे 117, लोकसभा की बात करें तो यहां पे 13 और राज्यसभा की कितनी? 7 सीटें हैं जो कि आपको देखने को मिलती है। आगे बात करें बाउंड्रीज की, तो जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ में है जम्मू एंड कश्मीर, फिर ईस्ट के साइड है हिमाचल प्रदेश, फिर आता है हरियाणा और नीचे की तरफ आता है दोस्तों राजस्थान। तो एक तो हो गए, चार तो हो गए स्टेट, मतलब अगर जम्मू कश्मीर को हटा दो तो भाई 3 स्टेट ही हो गए कुल मिला के, एक यूनियन टेरिटरी हो गई जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, तो आप इसको 3 ही स्टेट कर लो क्योंकि अब स्टेट रहा नहीं है, तो हमें आदत डालनी पड़ेगी धीरे धीरे उसको स्टेट नहीं मानने की। 1 हो गई यूटी यूनियन टेरिटरी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, और 1 हो गया देश जो कि कौन सा है, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का जो पंजाब वाला एरिया है वो अपने पंजाब वाले एरिया में टच होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ओके, और ऊपर की तरफ ये जम्मू वाला एरिया और ये है आपके पाकिस्तान वाला एरिया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं स्टेट सिंबल्स के बारे में। स्टेट एनिमल यहाँ पे ब्लैकबर्ग, स्टेट बर्ड यहाँ पे बाज, फ्लावर यहाँ पे ग्लैडियोलस और ट्री है यहाँ पे शीशम का। तो ये यहाँ के स्टेट के सिंबल्स हैं। कुछ टाइम पहले आपको मालूम है एक्वाटिक एनिमल भी जो है वो गंगा डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन है ना, उसको भी इन्होंने इंक्लूड किया था। ठीक है, डॉल्फिन को इंक्लूड किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 ट्रिब्यूटरी रिवर्स है इंडस रिवर की, जो कि इस रीजन से स्टार्ट, इस रीजन से होके जाया करती थी, उनके नाम पे पंजाब पड़ा था, सतलज, रवि, ब्यास और झेलम नदी। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, प्रेजेंटली बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सतलज, रवि और ब्यास है जो कि भारतीय पंजाब का पार्ट है। 47 के टाइम पे पंजाब का जो प्रोविंस है वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था। रिलीजियस लाइन के तौर पर इसको डिवाइड किया गया वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब के तौर पे। जो वेस्टर्न पार्ट था वो चला गया बाद में पाकिस्तान, ठीक है, और ईस्टर्न पार्ट था वो रह गया हमारे भारत के अंदर। सिखिज्म की अगर मैं बात करूं तो पंजाब वाले रीजन में ही शुरुआत होती है 15वीं सेंचुरी के अंदर। 75% जो टोटल सिख पॉपुलेशन है दोस्तों वर्ल्ड की, वो कहां पे, पंजाब के अंदर ही रहती है। ज्योग्राफी की बात करें तो मोस्ट पंजाब की जो जमीन है काफी फर्टाइल है, एलुवियल प्लेन आपको देखने को मिलता है, काफी बढ़िया नदियां हैं, इरिगेशन कैनाल सिस्टम काफी बढ़िया है, इसीलिए दोस्तों हमारे भारत के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर पंजाब और साथ में हरियाणा काफी आगे है। 20th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है एरिया वाइज। पॉपुलेशन की बात करें तो 2.7 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के हिसाब से, जो कि देश में 16th लार्जेस्ट पॉपुलेशन एरिया वाइज माने जाता है। करंट गवर्नमेंट दोस्तों 2017 के असेंबली इलेक्शन में सेलेक्ट करी गई, जब कांग्रेस ने 117 में से 77 सीटें यहां पे जीत ली और अमरिंदर सिंह है जो कि यहां पे करंट चीफ मिनिस्टर बन गए। मेजर डैम और रिजर्वर्स की बात करें तो रणजीत सागर डैम, जिसको अपन थ्याम डैम भी कहते हैं, बहुत ही फेमस है ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा बनाया गया था उसका, तो ये रावी नदी के ऊपर बना रखी है जम्मू कश्मीर और पंजाब की बॉर्डर के ऊपर।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं जनरल फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम में कई बार आते हैं। ओरिजिनली इसको सप्त सिंधु कहा जाता था। सप्त सिंधु का मतलब ऐसी जगह जहां पे सात नदियां बहती है, ठीक है। तो ये बात करें इंडस, ये अपने आर्यंस के टाइम पे, आर्यंस के अंदर ऋग्वेद की टाइम की जो अगर मैं बात करूं ना, तो उन्होंने जो अपना एरिया बता रखा है वो सप्त सिंधु ही बता रखा है। तो वो जो एरिया था वो पाकिस्तान पंजाब वाला एरिया हुआ करता था। यहाँ पे दोस्तों गेहूं जो अपनी राइस है, शुगर केन, फ्रूट वेजिटेबल काफी उगाए जाते हैं। इसको ग्रेनरी ऑफ द इंडिया भी कहते हैं या इंडियाज ब्रेड बास्केट भी कहते हैं, क्योंकि काफी अच्छा प्रोडक्शन है जो कि होता है। 6 सिविल एयरपोर्ट्स है जो कि पंजाब में देखने को मिलते हैं, साथ में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक तो अमृतसर का है और एक चंडीगढ़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों चंडीगढ़ के अंदर क्या है, द आर्किटेक्चुरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुसियर है, जिसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग पंजाब का जो है वो है यहाँ पे फुलकारी, ये हरियाणा का भी है और पंजाब का भी है। फुलकारी एक तरीके से एम्ब्रॉयडरी है, इस तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। फेस्टिवल एंड फेयर की बात करें तो लोहड़ी यहाँ पे मनाई जाती है और वैसाखी यहाँ पे धूमधाम से मनाई जाती है। साथ में तियान फेस्टिवल होता है, एक जौर मेला है जो कि 3 दिन का यहाँ पे होता है दोस्तों फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा के अंदर। डांसेस की बात करें तो समी, भांगड़ा और धामल नाम के काफी फेमस डांसेस हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। धामल काफी आता है पेपर में, ध्यान रखिएगा। फेमस पर्सनालिटीज की बात करें तो हरगोविंद खुराना का नाम आपने सुना होगा, जिनको मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1968 के अंदर, ओके। और किसके साथ में, निरंबर्ग और हॉली के साथ में इनको मिला था, तो वो यहीं से ही बिलोंग किया करते थे। साथ में किरण बेदी जो अपनी फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर है, अभी पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन जो कि स्पेस में गए थे, ये सभी पंजाब से ही बिलोंग करते हैं। साथ में इंपॉर्टेंट है दोस्तों 10 सिख गुरु, क्योंकि सिखिज्म की शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले गुरु नानक जी की बात करेंगे जो कि ठीक है पंजाब के अंदर जो है पैदा हुए थे और सिखिज्म की शुरुआत इनके द्वारा करी गई। गुरुमुखी स्क्रिप्ट की शुरुआत करी गई गुरु अंगद के द्वारा। गुरु रामदास की बात करें तो गुरु जी का जो लंगर है वो रामदास जी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, जिससे आज लाखों लोग हैं जो कि पेट भरते हैं पूरे देश में, दुनिया में। गुरु रामदास जी की बात करें तो जो कि 4th थे और अकबर ने डोनेट करी थी इनको एक लैंड, जिसके ऊपर आज गोल्डन टेम्पल बना हुआ है। बाद में गोल्डन टेम्पल बना, पहले गुरु रामदास जी को ही जमीन अकबर के द्वारा दी गई थी। अर्जन देव जी की बात करें तो आदि ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब इनके द्वारा ही कंपोज करी गई, और अर्जन देव जी को मुगल एम्परर जहांगीर जी के जहांगीर के द्वारा जो है मार दिया गया था। हरगोविंद जी की बात करें तो उन्होंने अखल तख्त जो आपको मिलता है अभी, अगर आप देखोगे गोल्डन टेम्पल जाओगे सेंटर के अंदर, तो वो इनके द्वारा ही बनाया गया था हरगोविंद जी के द्वारा। फिर गुरु हर राय जी की बात करें, ठीक है, तो दारा शिको जो था और वो इसके पास इनके पास में मदद के लिए आया था, और ठीक है औरंगजेब से के खिलाफ। उसके बाद में गुरु हरि किशन की बात करें, ओके, तो गुरु हर राय जी के बाद में ही आए थे और यंगेस्ट गुरु है जो कि सिखिज्म के इतिहास में बने थे। तेग बहादुर जी की बात करें तो औरंगजेब के द्वारा एग्जीक्यूट किए गए, मार दिए गए, ठीक है, जब क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था इस्लाम से कन्वर्ट होने को लेकर, और साथ में उन्होंने गरीबों को लेकर काफी काम किया तेग बहादुर जी ने। गुरु गोविंद जी जो कि लास्ट थे दोस्तों, 10th सिख गुरु थे और उनके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब को ही परमानेंट जो है वो बना दिया गया, और खालसा जो है वो इनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसके अलावा बात करें करतारपुर कॉरिडोर जो कि अभी काफी न्यूज के अंदर है, डेरा बाबा नानक और करतारपुर दोनों को जोड़ा गया है, और ये वो जगह है करतारपुर जहाँ पे लास्ट के कुछ दिन जो है वो अपने गुरु नानक जी ने बिताए थे, तो यहाँ पे इसलिए दोनों को कन्वर्ट वो लिंक किया गया है और करतारपुर कॉरिडोर नाम दिया गया है। पंजाब और इंडिया के दोनों के पार्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस जो कि पंजाब के ऊपर था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा सभी, ठीक है ना। वापस मिलेंगे 8 बजे वाले क्लास में, लाइव आना बिल्कुल मत भूलिएगा, अलार्म लगा के रखिएगा। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।